देश की राजधानी और आसपास के लोगों को पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा था। दिल्ली एनसीआर के विभिन्न इलाकों में छिटपुट बारिश हो रही थी, लेकिन बद्रा को मानसून में जिस तरह से बरसना चाहिए था उस तरह की बरसात नहीं हो रही थी। इसके चलते उमस वाली गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा था। एसी, पंखा या फिर कूलर के सामने से हटते ही लोग पसीने से तरबतर हो जा रहे थे। अब बुधवार 31 जुलाई 2024 को देर शाम मूसलाधार बारिश हुई और इस कदर बारिश हुई कि दिल्ली के साथ ही आसपास के इलाकों में भी सामान्य जनजीवन पटरी से उतर गया। दिल्ली में एक घंटे में 112 मिलीमीटर से भी ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। हालात को देखते हुए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग को रेड अलर्ट जारी करना पड़ा। आईएमडी के मानकों के अनुसार यदि देश के किसी भी हिस्से में एक घंटे में 100 मिलीमीटर से भी ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की जाती है तो उसे क्लाउड ब्रस्ट यानी बादल फटने की श्रेणी में रखा जाता है। हालांकि इसको लेकर आईएमडी की तरफ से अभी तक औपचारिक घोषणा नहीं की गई। दिल्ली में बुधवार शाम को दिल्ली और आसपास के इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश हुई। देश की राजधानी में एक घंटे में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। इस वजह से महानगर के विभिन्न इलाकों में जलभराव हो गया, सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हो गई। इसके बाद मौसम विज्ञान विभाग को रेड अलर्ट जारी करना पड़ा। वहीं नेशनल फ्लैश फ्लड गाइडेंस बुलेटिन ने दिल्ली को एरियाज ऑफ कंसर्न की लिस्ट में शामिल कर दिया। दूसरी तरफ भारी जलभराव के चलते ट्रैफिक व्यवस्था भी पूरी तरह से चरमरा गई। दिल्ली से लेकर नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद में लोग घंटों जाम में फंसे रहे। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि सेंट्रल दिल्ली के प्रगति मैदान में एक घंटे में 112.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। यह अपने आप में बेहद चौंकाने वाला और डेंजर इंडिकेटर है। दरअसल आईएमडी के मानकों के अनुसार देश के किसी भी हिस्से में यदि एक घंटे में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश होती है तो उसे क्लाउड ब्रस्ट यानी बादल फटना माना जाता है। हालात को देखते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने एक्स पर पोस्ट कर सभी अधिकारियों को अलर्ट रखने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से ऐसी व्यवस्था करने को कहा जिससे आम लोगों को कम से कम असुविधाओं का सामना करना पड़े। साथ ही जलभराव और कोचिंग सेंटर वाले क्षेत्रों में खास तौर पर ध्यान रखने को कहा गया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ओर से जारी अलर्ट में अगले दो घंटों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना जताई गई। इसके अलावा 5 अगस्त 2024 तक दिल्ली और आसपास के इलाकों में मौसम के ऐसे ही बने रहने की संभावना जताई गई है। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।